कैसे हो दोस्तों, मैं हूं लीन बीस्ट और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत से लोगों को ये चीज पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये टॉपिक है कैलोरीज, कैसे अपने फूड की कैलोरीज चेक करें। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि हर एक फूड आइटम में आपका प्रोटीन मोस्टली तीनों कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ में एक कॉम्बिनेशन होता है, कोई लीन सोर्स होता है, किसी में सिर्फ अकेला प्रोटीन होता है, किसी में अकेला कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी में सब कुछ होता है। तो अगर कोई फूड आपको दिया जाए कि मैंने आपको दिया रोटी, तो रोटी में आप कैलोरीज कैसे कंज्यूम करोगे? तो अगर हम बात करेंगे कार्ब्स की, राइट, कार्ब्स, वन कार्ब, वन ग्राम ऑफ कार्ब्स इक्वल टू 4 कैलोरीज। सिंपल है, 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल टू 4 कैलोरीज। सिंपल है, 1 ग्राम ऑफ फैट इक्वल टू 9 कैलोरीज। यस, यू राइट। सिंपल है, 1 ग्राम कार्ब हो गया आपका 4 कैलोरी का, 1 ग्राम प्रोटीन आपका हो गया 4 कैलोरी एंड 1 ग्राम फैट आपको हो गया 9 कैलोरी। अब हम कैसे निकालेंगे? चलो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन, अंडा, 1 egg इक्वल टू कितने कैलोरीज है उसमें? अगर आप एक अंडा लेंगे उसमें होता है 5 ग्राम प्रोटीन और 5 ग्राम फैट, राइट। तो 5 ग्राम प्रोटीन मतलब 1 ग्राम प्रोटीन आपका हो गया 4 कैलोरी, तो 5 ग्राम प्रोटीन कितना हो गया? 5:4, 20 कैल, करेक्ट। अब बात करेंगे उसमें है 5 ग्राम फैट, तो 5 ग्राम फैट होता है, 1 ग्राम फैट में होता है 9 कैलोरी, तो 5 कितना हो गया? 45, तो 9:5, 45 कैलोरीज इसको ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 65 कैलोरीज, करेक्ट। सो एक अंडे में आपका जो एक अंडा होता है उसमें होता है 65 कैलोरीज अगर आप एक होल एग कंज्यूम करते हो। लेकिन 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 गाइस, पिक्चर भी खत्म नहीं हुई है। अगर आप एक एग वाइट कंज्यूम कर रहे हो, एग वाइट अगर आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, तो उसमें कितना प्रोटीन होता है? उसमें होता है 3 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम्स प्रोटीन, उसमें होता है 3 ग्राम्स प्रोटीन, राइट। तो कितना कैलोरी हो गया? 12 कैलोरीज एक एग वाइट में, जो इंडियन अंडा होता है उसमें 12 कैलोरीज। इसी हिसाब से आप देखो कि अगर मैं एक होल अंडा खा रहा हूँ, 1 whole egg, मुझे मिल रहा है 65 कैलोरीज अगर मैं पूरा योग के साथ खा रहा हूँ। और अगर मुझे सिर्फ एग वाइट खाना है तो एग वाइट मुझे कितना मिल रहा है? 12 कैलोरी, सिर्फ 12 कैलोरी मिल रहा है। बिकॉज हम मैंने आपको बताया था मेरी प्रीवियस वीडियो में कि भाई अगर आप योग निकाल लेते हो अंडे का तो उसमें भी आपका 2 ग्राम प्रोटीन पहले चला जाता है। तो इस आपको मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया। अब बात करते हैं अंडे की, ठीक है, अब मैं हटा देता हूँ इसको और अब बात करते हैं बनाना। हमने प्रोटीन की बात कर ली, अब बनाना की बात करते हैं। एक बनाना, जो एक नॉर्मल बनाना इंडिया में आता है, राइट, उसमें कितना कैलोरी होता है? उसमें जस्ट 20 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, एक नॉर्मल बनाना 20 ग्राम कार्ब, तो 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरी है, तो 20 ग्राम में कितना हुआ? 80 कैलोरीज, राइट, 80 कैलोरीज। तो इस हिसाब से हमें निकालना है फूड में। सिंपल है, जो भी फूड आप लेंगे, नॉर्मल फूड लिया उसका आप प्रोटीन अलग करें, कार्ब्स अलग करें, फैट अलग करें, जो भी आएगा। अब मैं आपको देता हूँ कॉम्बिनेशन, राइट। अब मैं बात करते हैं 1 चम्मच पीनट बटर की, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया एक वो, सॉरी, अब हम बात करेंगे 1 चम्मच पीनट बटर की, राइट, 1 TBS पीनट बटर। पीनट बटर क्या है इसका न्यूट्रिशन? एक जब आप लेते हो तो उसमें होता है फैट, फैट आपको मिलता है 8 ग्राम्स। प्रोटीन कितना मिलता है? प्रोटीन आपको मिलता है 3 ग्राम्स, 1 TBS की बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्ब आपको मिलता है ये भी 3 ग्राम, कैलकुलेट कर लो, into 9 into 4 into 4, 12 12
72, इसको आप ऐड करेंगे प्लस प्लस कितना हो गया आपका 6 एंड 9, 96 ग्राम्स ऑफ 96 कैल। तो 1 TBS ऑफ पीनट बटर विल गोना गिव यू 96 कैलोरीज, राइट? सिंपल है, कोई भी फूड आइटम है उसका कार्ब्स निकालो, प्रोटीन निकालो और अपना